बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है जी हमारे व्यूज़ बजाय ये के बढ़ने के काम क्यों होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर की जाती है 100% नहीं बल्कि 999% रियल शेयर की जाती है। तो लिहाजा तसल्ली के साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी लेकिन आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरे पास जितने भी आजकल चैनल चेकिंग के लिए आ रहे हैं सबका एक ही क्वेश्चन है कि हमारे व्यूज़ बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, हमें बताया जाए कि वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे व्यूज़ कम हो रहे हैं बजाय ये के बढ़ने के। तो बात करते हैं जी आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन रीजंस बताने वाली हूँ और ये जो रीज़न बताने वाली हूँ विद लॉजिक बताने वाली हूँ। तो लिहाजा वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले वाले रीज़न की बात की जाए कि हमारे व्यूज़ कम क्यों हो रहे हैं। रिसेंट कुछ दिन पहले जब मैंने अपना एनालिटिक्स खोला चैनल का, तो वहाँ पर मैंने जब देखा कि मेरे चैनल पर 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक कोई भी व्यूज़ शो नहीं हो रहे, इवन के वॉच टाइम भी शो नहीं था हो रहा, रेवेन्यू भी नहीं था शो हो रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि उन डेज में मैंने वीडियोस भी अपलोड की थी, अगरचे मैं वीडियो अपलोड ना भी करती तो पिछली वीडियोस पे कुछ ना कुछ तो व्यूज आने ही थे ना। तो ये देख के मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हुई। बहरहाल अचानक से मेरे जहन में आया कि मैं ये जाके चेक करती हूँ अपने दूसरे चैनल पे कि आया कि उस चैनल पे भी इस मतलब के तरीके को कोई व्यूज है या नहीं है। वहां पे जाके जब मैंने चेक किया तो वहां पे भी सेम यही इशू चल रहा था, वहां पे भी 22 से लेके 24 अगस्त तक कोई भी व्यूज नजर नहीं थे आ रहे, मतलब कि वहां पे जीरो व्यूज शो हो रहे थे। तो इस चीज से हमें पता लग गया जी ये यूट्यूब का बग था जिससे हमारे व्यूज कम हुए थे और वो बग अब रिजॉल्व हो चुका है। अगर हम जाके अपने एनालिटिक्स में चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे 22 अगस्त के जो व्यूज शो हो रहे हैं आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, वो है जी 23,000 समथिंग, और इसके अलावा 4 अगस्त के 28,000 समथिंग। मतलब ये कि ये यूट्यूब का बग था जो कि सॉल्व हो चुका है। ये तो होगी जी हमारी फर्स्ट वाली रीजन, आप कहेंगे कि ये तो जो हमारा बग था वो तो अब सॉल्व हो चुका है लेकिन फिर भी हमारे व्यूज कम हैं। तो उसके लिए जो लास्ट टू रीजन है उनको सुन के जाना। अगर हम बात करें जी सेकंड रीजन की, सेकंड रीजन ये है कि जब हम न्यू यूट्यूबर होते हैं हमें बहुत ज्यादा शौक होता है कि हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज नजर आए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर नजर आए, वॉच टाइम नजर आए। तो ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशन यूज करते हैं। कोई ट्रिक हमें बता रहा है तो बजाय ये कि उसकी ट्रिक को एज इट इज फॉलो करने के हम उसको मिस यूज करते हैं। होता क्या है, अर्जेंटली जैसे ही आप ट्रिक यूज करते हैं आपको आपके चैनल पे व्यूज नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही यूट्यूब का एल्गोरिथम एक्टिव होता है वो स्पैम को चेकआउट करता है, टेस्ट करता है, वो आपके सारे व्यूज और इसके अलावा वॉच टाइम ड्रॉप कर देता है। आपके साथ जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स इस चैनल पे मैंने शेयर की हैं, मैंने भी प्रूफ शेयर की हैं, कोई भी ऐसी टिप और ट्रिक शेयर नहीं की जो कि फेक हो, जो कि फजूल किस्म की हो, क्योंकि मेरा इस चीज पे ट्रस्ट है कि आपकी ऑडियंस की सेटिस्फेक्शन ही आपकी मतलब कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि पैसा। ठीक है, ये मैंने जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है सिर्फ और सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए और इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। बात की जाए पैसे की तो पैसा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा कमा रही थी, सिर्फ एक जगह से नहीं, सिर्फ दो जगह से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा मेरे पास अर्निंग सोर्स मौजूद थे। आपको मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आपने कोई टिप और ट्रिक फॉलो करनी भी होती है, कोई एक्सटेंशन यूज करनी भी होती है, तो जैसे बताया जाता है बिल्कुल एज इट इज फॉलो किया करें। अभी तक मैंने आपको कोई भी एक्सटेंशन रिकमेंड नहीं की व्यूज को बढ़ाने के लिए क्योंकि मुझे कोई भी ट्रस्ट नहीं है अभी किसी भी एक्सटेंशन पे। तो कोई एक्सटेंशन आपके साथ शेयर की जाएगी तो इनशाला उसका रिजल्ट लाइव आपके साथ शेयर की जाएगा कि आया कि इस एक्सटेंशन से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ऐसे कोई भी एक्सटेंशन में आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। तो लिहाजा अगर आप किसी के कहने पर कोई एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं तो पहले नंबर पर देखें कि उसने कोई प्रूफ दिया है कि नहीं दिया। अगर दिया है तो फिर आप उसको एज इट इज फॉलो करें जैसे वो बता रहे हैं। अब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होने हैं जो कह रहे होंगे कि हमारा यूट्यूब बग भी सॉल्व हो गया है, हमने एक्सटेंशन यूज नहीं की फिर भी हमारे व्यूज कम हो रहे हैं। तो उनके लिए है जी थर्ड रीजन जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये कि आपने अपने चैनल पे टॉपिक चेंज किया है। चाहे आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, व्यूज कम होने की थर्ड लॉजिक ये है कि आपने टॉपिक चेंज किया है, कैटेगरी चेंज की यहाँ पे बात नहीं हो रही। अब आपने मेरी बात को समझना है, जैसा कि मेरा जो चैनल है उस पर जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज हैं वो है अर्निंग के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, इसके अलावा यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के हवाले से, मतलब कि यूट्यूब चैनल के हवाले से। अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ के यहाँ पे इंस्टा के हवाले से कोई टिप और ट्रिक देना शुरू कर दूं या फिर व्हाट्सएप की कोई मतलब के वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं तो क्या आप इसको शौक से देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो इस तरह क्या होगा, हमारे व्यूज डाउन होंगे।
चाहे हम कंसिस्टेंट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे लेकिन हमने अपना टॉपिक चेंज किया तो हमारे व्यूज ऑब्वियसली डाउन जाएंगे। अगर आपको इस चीज़ का शौक है या फिर आप समझ रहे हैं कि हमें मजीद टॉपिक्स में इंटरेस्ट है जो हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे करें जो आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा वीडियोस बनाएं, और दूसरे हैं उनके भी साथ साथ कोई कोई वीडियो डालना स्टार्ट कर दें। इससे ये होगा कि जो आपके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं उस पे भी इंटरेस्ट व्यूअर शो करते रहेंगे। इसके अलावा जो आप न्यू टॉपिक्स उनको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो भी ऐसा सा उनमें इंटरेस्ट गेन कर लेंगे, तो इस तरह से आपके चैनल को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो कि आपके चैनल पे वीडियोस वायरल जा रही हैं। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं गई तो फिर भी हमारे चैनल पे व्यूज कम हो रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो वीडियो पे आपके सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, चाहे मैक्सिमम 50 व्यूज आए हैं, वही आपकी मोस्ट वायरल वीडियो काउंट होती है। उसी टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं, कंसिस्टेंट रह के अच्छा काम करें, इंशाल्लाह आपका चैनल भी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं आप उनको फॉलो करके फायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।